हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो बेटा, सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या होती है और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि व्याकरण क्या होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भाषा क्या क्या होती है और भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बेटा, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भाषा है उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बोलना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाष कहाँ से आ गया। तो बेटा, भाष जो शब्द है वो संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत का शब्द है। यहाँ पर भाष का प्रयोग भाषा से किया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। देखिए बच्चों, बोलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों की बात सुन सकते हैं। अब हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे कि भाषा क्या होती है और उसे हम कैसे जानेंगे। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा द्वारा ही संभव हो पाता है। ये सब हम किसके माध्यम से कर पाते हैं? भाषा के माध्यम से कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस माध्यम द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को समझता है, वह भाषा कहलाती है। जैसे कि बेटा, आप चित्र के माध्यम से देखिए, आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यानी कि वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। या फिर देखिए, टीचर हो, अध्यापक हो, एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ कि प्रधानाचार्य बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो वो किस तरीके से बता रहे हैं? वो अपने मुंह से बता रहे हैं, आप बच्चों को समझा के बता रहे हैं। तो ये सब किसके माध्यम से आवश्यक है? नॉर्मल सी बात है, भाषा के माध्यम से। अब हम जानेंगे बच्चों व्याकरण क्या होती है। तो व्याकरण सबसे पहले तो वो होती है जो हमारी अशुद्धियों को दूर करती है। अब हम व्याकरण की परिभाषा जानेंगे बच्चों, जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह व्याकरण कहलाती है। यानी कि हमारी अशुद्धियों को जो दूर करता है वही व्याकरण कहलाता है। और बच्चों, आपको मैं थोड़ा एक भाषा की परिभाषा एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए बेटा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो खुश है या वो दुखी है तो वो अपने मन के भावों को या विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करेगा। और वो अपने भावों को प्रकट कैसे करेगा? वही साधन भाषा कहलाता है। आप भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है, जिसे शायद आप नहीं जानते हैं। तो समझ लीजिए कि भाषा का जो तीसरा रूप होता है वह सांकेतिक कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये सांकेतिक क्या कहलाता है? तो सांकेतिक का मतलब होता है इशारा। फॉर एग्जाम्पल, एक साल का अगर कोई छोटा बच्चा है ना, तो वो बोलना तो नहीं जानता है, तो वो अपने माता पिता को अपनी बातों को किसके जरिए से समझाएगा? भाषा के जरिए से समझाएगा, है ना। भाषा के जरिए से नहीं समझाएगा, भाषा के जरिए से समझाएगा नहीं समझाएगा, वह अपने माता पिता को अपनी बात को संकेत के, यानी कि इशारे के माध्यम से समझाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर सांकेतिक भाषा का भाव प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भाषा के कितने भेद होते हैं या फिर भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। अब आप सोच रहे होंगे कि मौखिक क्या है, मौखिक भाषा क्या है? तो जब हम अपने मन के भावों को बोलकर, जब हम अपने भावों को बोलकर सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। सभी लोग बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप हो जाता है? मौखिक। तो हम उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कोई बात आपको बोली है और वो बात मैं आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये भाषा का मेरा कौन सा रूप हो गया बच्चों? ये हो गया मौखिक रूप। और अगर मैं आपको कोई भी पत्र लिख के भेजूँ या आपको लिखित में कोई प्रमाण रखूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? लिखित रूप। जैसे कि बच्चों, आपको लिखित रूप के बारे में बताऊँ, मैं उसकी परिभाषा बताऊँ। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले